वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल UGC NET JRF हिस्ट्री। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, बी ए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उन स्रोतों में जो हमारे स्रोत थे, मैंने आपको बताया था हमारे दो प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में हमारे कुछ सिक्के, कुछ जो हमारी इमारतें वगैरह होती हैं वो आती हैं, और उसमें हमारे कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो आज हम उन्हीं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें सल्तनतकालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए देखिए कैसे। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में देख लेते हैं, सल्तनत काल में अनेक बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत भ्रमण करके, भारत की यात्रा करके उसको अपने ग्रंथों, मतलब अपने ग्रंथ, अपने विवरण पत्रों आदि में बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। उनके द्वारा रचित रचनाओं में जो वर्णित जानकारियां हैं वो इस काल के इतिहास की जानकारियां, इस काल के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो उन्होंने अपनी बुक लिखी, जो पुस्तकें लिखी, जो विवरण लिखे वो हमें इस काल के इतिहास की जानकारी देती हैं। इनमें से सल्तनतकालीन कुछ यात्रियों के विवरण जो है इस प्रकार है, देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे अलब्रूनी। अलब्रूनी के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक भी है, कब भारत आए ऐसा हमें देखना है। तो अलब्रूनी जो है ख्वारिज्म से भारत आए थे। कहाँ से भारत आए थे? ख्वारिज्म से। वह फारसी और अरबी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, मतलब उनको दोनों दो भाषाओं का ज्ञान था, अरबी और फारसी भाषा का। उसने संस्कृत, हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया था। फारसी और अरबी भाषा के साथ साथ उन्होंने संस्कृत और हिंदू धर्म और भारत का जो दर्शन है उसका भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया। उसने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से जो सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे अच्छी उनकी पुस्तक है वो है तारीकुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। ये पुस्तक जो है काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी सभी पुस्तकों में से। तो इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म और सामाजिक परंपराओं की जानकारी हमें तहकीक हिंद से प्राप्त होती है। ये थी पुस्तक इनकी, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे विदेशी यात्रियों में आएंगे वो आएंगे इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके समय में भारत आए थे? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तुगलक वंश के एक शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक, उनके टाइम पर ये भारत आए। तो देखें इन्होंने क्या अपनी पुस्तक में लिखा और कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी है, इससे हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को या अफ्रीका जिसे बोलते हैं, मोरक्को अफ्रीका के निवासी थे। ये 1333 में 1333 AD ईस्वी में भारत आए थे। 8 वर्ष भारत में रहने के बाद इन्होंने भारत में अनेक स्थानों की यात्रा की। ये 8 वर्ष तक भारत में रहे, इन्होंने भारत के स्थानों की यात्राएं की और भारतीयों के खान पान, रहन सहन, उनकी धर्म परंपरा आदि के विषय में बहुत बारीकी से लिखा है। जब ये भारत में यात्राएं कर रहे थे तो उन्होंने भारतीयों के खान पान को अच्छे से देखा, वो कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी धर्म परंपरा कैसी है, उसे बहुत बारीकी से उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो इनकी पुस्तक का नाम था रहेला, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करते थे, जिस कारण उन्हें दरबारी राजनीति का भी व्यवहारिक ज्ञान था। उनके समय में ही भारत आए तो उन्हें एक पद पर नियुक्त कर दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो उन्हें जब नियुक्त किया गया था, उन्हें दरबार की जो राजनीति होती है उसका भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया था। इब्न बतूता जो थे प्रकृति प्रेमी थे, इनको भी प्रकृति से प्रेम था, जैसे कि बाबर को था। तो ऐसे इब्न बतूता, बाबर तो मुगल वंश के संस्थापक कहे जाते हैं लेकिन ये विदेशी यात्री थे, तो बाबर भी प्रकृति प्रेमी थे, ऐसे ही इब्न बतूता प्रकृति प्रेमी थे। तो उसके यात्रा वृतांत में, मतलब जो उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत लिखा है, जो पुस्तक लिखी है जिसकी हम बात करें, रहेला इनकी पुस्तक का नाम था। उन्होंने इस पुस्तक में पशु पक्षियों, वनस्पतियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अपने ग्रंथ किताब उल रहेला, पूरा नाम है रहेला का, रहेला भी कहते हैं। तो किताबुल रहेला में उन्होंने भारत के विषय में बहुत ही विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट जो हमारे विदेशी यात्री आते हैं वो आते हैं मार्को पोलो। तो मार्को पोलो के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है मध्यकालीन भारत की। देख लेते हैं, मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का बहुत अच्छे से वर्णन किया है।
वह वेनिस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? आपको जितने भी हमारे यहाँ पे विदेशी यात्री आए हैं, हमें सिर्फ ये याद रखना है वो कब आए, किसके समय में आए और कहाँ के रहने वाले थे, ये हमें याद रखना है। और उनकी जो यात्रा वृतांत है, मतलब जो उन्होंने पुस्तक लिखी होगी भारत के ऊपर अपनी यात्रा के ऊपर, तो वो भी आपको याद रखनी है। यही हमारा इम्पोर्टेंट बनते हैं इनमें से टॉपिक। तो देखते हैं, वह वेनिस के निवासी थे जो पांड्य राज्य के दरबार में आए थे। पांड्य राजा जो पांड्य थे उनके दरबार में ये भारत आए। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि जो मार्को पोलो है, मतलब कि किसको, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप आंसर देंगे मार्को पोलो को। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये मार्को पोलो का चित्र है, आप देख सकते हैं, पिक्चर है ये इनकी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है कब आए थे? 1442 में आए थे और 43 तक ये रहे ऐसा कहा जाता है। तो 1442 से 43 ईस्वी में भारत आए हैं। कभी मतलब दो वर्णन मिलते हैं कि कोई कहता है 1442 में आए, कोई कहता है, कोई इतिहासकार कहते हैं कि 1443 में आए। उसने देवराय द्वितीय योग के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक, तैमूर राजवंश था एक, उसके शासक थे सहारू के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। किसके राजदूत के रूप में किया था? सहारू, जो तैमूर राजवंश के शासक थे। देवराय द्वितीय जो है इनके समय में की बात कर रहे हैं। तो अपनी यात्रा वृतांत में उसने विजयनगर कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया। जो विजयनगर था उसके सामाजिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, उसका वर्णन इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन थे? निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी के बारे में देखेंगे तो निकोलो डी कोंटी जो थे वो इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। तो 1420 से 21 में वे भारत आए थे। उन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, मतलब दौरा इन्होंने कब किया था, किसके समय में ये भारत आए थे, कौन से राजा थे उस टाइम पर? देवराय प्रथम, विजयनगर साम्राज्य में एक राजा थे विजयनगर के, देवराय प्रथम, उनके समय में ये भारत आए। उसने इनकी पुस्तक का नाम ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नामक पुस्तक, इस यात्रा का वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है, ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी। उसके वर्णन से तत्कालीन भारतीय समाज के रीति रिवाज, मतलब उस टाइम का जो भारतीय समाज था, रीति रिवाज, रहन सहन आदि की महत्वपूर्ण जानकारी हमें इनकी पुस्तक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली यात्री थे। कहाँ, कौन से यात्री थे? पुर्तगाल से आए थे। उसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्राचीन हम्पी, जो उनकी मतलब राजधानी भी कही जाती है विजयनगर साम्राज्य की, और बोलते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष है वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तो हम्पी से ही मिलते हैं। प्राचीन हम्पी के सभी ऐतिहासिक पूर्ण पहलुओं का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया। विस्तृत का मतलब होता है खूब बड़ा वर्णन जो होता है वो उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। अब जो हमारे नेक्स्ट आते हैं विदेशी यात्री, ये थे फर्नाओ नूनीज। ये हमारे लास्ट हैं फर्नाओ नूनीज। वह एक पुर्तगाली यात्री थे, इतिहासकार और घोड़ों के व्यापारी थे। एक इतिहासकार भी थे और घोड़ों के व्यापारी, घोड़ों को बेचने खरीदने वाले थे। उसने अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये भी एक राजा है विजयनगर साम्राज्य के, तो अच्युत राय के समय में इन्होंने दौरा किया और विजयनगर में 3 साल बिताए। कितने टाइम तक रहे थे भारत के अंदर? विजयनगर में 3 साल तक। उसने विजयनगर के इतिहास, विशेषकर शहर की नींव, 3 वंशों के शासन के बाद की स्थिति और दक्षिण के सुल्तानों, उड़ीसा के शासकों के साथ विजयनगर के शासकों की लड़ाई का बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि जो विजयनगर के शासक थे उनकी लड़ाइयाँ किन किन के साथ हुई थी, जो उनके पड़ोसी राज्य थे, शासक थे उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, उसका ब्यौरा इन्होंने दिया है। उसने अपनी यात्रा वृतांत में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं का भी उल्लेख किया है। उसने महिलाओं के पहनावे के साथ साथ राजा की सेवा में महिलाओं की नियुक्ति की भी प्रशंसा की है कि राजा की सेवा के लिए महिलाओं को नियुक्त किया जाता था उस टाइम पर विजयनगर साम्राज्य में, ऐसा इन्होंने अपने वृतांत में बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सल्तनतकालीन, जो सल्तनत काल में जो कुछ विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने क्या क्या भारत के बारे में अपने वृतांतों में लिखा, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम